देश की बेटियों ने अपने अदम्य साहस और कौशल से हमेशा पूरी दुनिया को हैरान किया है। ऐसी एक भारतीय बेटी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इस समय अंतरिक्ष में फंसी हुई है और उनकी इस मुश्किल घड़ी ने हमें एक और साहसी भारतीय बेटी कल्पना चावला की याद दिला दी है, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा में अपनी जान गंवाई थी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है, इस समय एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। 7 जून 2024 को फ्लोरिडा से अपने स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची सुनीता और उनके साथी विलमोर को केवल 8 दिनों के मिशन के बाद वापस धरती पर लौटना था, लेकिन यान में आई एक तकनीकी खराबी के चलते उनकी वापसी की योजना को टालना पड़ा है और अब नासा ने घोषणा की है कि उन्हें एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फरवरी 2025 तक वापस लाया जाएगा। यह स्थिति न केवल सुनीता और विलमोर के लिए बल्कि अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए एक चिंताजनक घटना है, साथ ही हर भारतीय को सुनीता की चिंता सता रही है। सुनीता और उनके साथी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित है और उनके यान की मरम्मत का काम चल रहा है। सुनीता विलियम, जिनका अंतरिक्ष में 322 दिनों का अनुभव है और जिन्होंने कई बार स्पेस वॉक भी किया है, इसलिए उनकी हिम्मत और धैर्य से वे इस चुनौती का सामना कर रही है। सुनीता विलियम्स की इस मुश्किल घड़ी ने हर भारतीय को एक और साहसी अंतरिक्ष यात्री भारत की बेटी कल्पना चावला की याद दिला दी है, जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी जान गंवाई थी। आइए एक नजर डालते हैं कल्पना चावला के इस ऐतिहासिक सफर पर। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। उन्होंने 1997 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के साथ इतिहास रच दिया था और सफल रही थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 का वह दिन हर भारतीय के दिल में गहरी चोट बनकर रह गया जब कोलंबिया स्पेस शटल, जिसमें कल्पना चावला भी थी, धरती पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह हादसा इतना दुखद था कि केवल 16 मिनट की दूरी पर होते हुए भी शटल आग के गोले में बदल गया और कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। हादसे की जांच में पता चला कि शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूटकर विंग से टकरा गया था, जिससे विंग में छेद हो गया और शटल के भीतर गैस बढ़ने लगी और इससे यह दुर्घटना हो गई। आज जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई है तो कल्पना चावला की दुखद यादें हर भारतीय के दिल में ताजा हो गई है। कल्पना ने अपनी जान देकर हमें यह सिखाया कि अंतरिक्ष की यात्रा जितनी गौरवशाली होती है उतनी ही जोखिम भरी भी होती है। अब जब सुनीता विलियम्स के सुरक्षित वापसी का इंतजार है तो पूरे भारत की नजरें उन पर टिकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि नासा और स्पेस एक्स की ये जुगलबंदी सुनीता को सही सलामत वापस धरती पर ले आएगी। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए थिंक 360 और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।